हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म डॉन के सीक्वल डॉन 3 से जुड़े एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार की वापसी हो चुकी है, यानी हेरा फेरी 3 के तीसरे पार्ट में सुनील शेट्टी, परेश रावल और अक्षय कुमार की तिगड़ी देखने को नजर आएगी। वहीं हम आपको बताते चले तो इस फिल्म के लिए पहले कार्तिक आर्यन का नाम फाइनल हुआ था। वहीं अब सोशल मीडिया पर ऐसा ट्वीट सामने आया है जहाँ कहा जा रहा है कि सुपरस्टार कार्तिक आर्यन अब डॉन 3 में लीड रोल निभाने वाले हैं, वहीं शाहरुख खान को रिप्लेस करेंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ट्विटर यूजर ने अपने ट्वीट में बताया है कि डॉन 3 में कार्तिक आर्यन लीड रोल में होंगे। हर्ष मिश्रा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो सुपरस्टार कार्तिक आर्यन डॉन 3 में लीड रोल में नजर आएंगे। बातचीत जारी है, अगर ऐसा होता है तो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आएगी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1200 से 1500 करोड़ रुपए होगा। वहीं हम आपको बताते चले तो ये हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार की वापसी के चलते कार्तिक आर्यन पर सरकास्टिक ट्वीट। वहीं सोशल मीडिया पर ऐसे ट्वीट चर्चा में आ गए हैं और सोशल मीडिया यूजर्स तेजी के साथ इस पर रिएक्शन कर रहे हैं। ऐसे में एक यूजर ने लिखा, मैंने सुना है कि कार्तिक आर्यन धूम 4 रेस 4 में भी आ रहे हैं। वहीं एक दूसरे ने कमेंट में लिखा, गोलमाल 5 और सिंघम 3 भी इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स को फनी कमेंट्स कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि कार्तिक आर्यन अब 500 करोड़ फीस लेगा तो कोई कह रहा है कि अब हर फिल्म में सिर्फ कार्तिक आर्यन ही होगा। वहीं ढेर सारे ट्विटर यूजर्स ने लिखा है कि डॉन तो सिर्फ शाहरुख खान की ही है। वहीं हम आपको बताते चले तो कुछ वक्त पहले कार्तिक आर्यन का नाम हेरा फेरी 3 के लिए फाइनल हुआ था। अक्षय कुमार ने स्क्रिप्ट की वजह से खुद को फिल्म से बाहर कर लिया था, जिसके बाद कार्तिक आर्यन की एंट्री हुई थी। हालांकि अब अक्षय कुमार फिल्म में वापस आ चुके हैं तो कार्तिक आर्यन को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यही नहीं, इनके साथ साथ याद दिला दे कि कुछ वक्त पहले कार्तिक आर्यन जाह्नवी कपूर के साथ दोस्ताना 2 में भी कन्फर्म हुए थे, लेकिन किसी वजह से उस फिल्म से भी वो बाहर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर कार्तिक आर्यन के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।